वेलकम टू पार्ट टू ऑफ डीएनए कंप्यूटिंग। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। इतने फवायद के साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, आए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये बिलियंस ऑफ आउटपुट एक सेकंड में जनरेट कर लेता है, इसलिए उनमें से कुछ मिलियन रॉन्ग भी होते हैं जो एरर में काउंट होते हैं, और मिलियंस में एरर का आना बहुत बड़ा फिगर होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसे सही से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें स्पेशल लेबोरेटरीज चाहिए जहाँ स्पेशल स्टाफ हर वक्त इसकी मॉनिटरिंग करें। लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए तो सही, बट अगर प्रॉब्लम छोटा और सिंपल है उसके लिए भी जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो भी उतना ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो कि इसकी परफॉर्मेंस पर एक सवाल खड़ा कर देता है। और सबसे आखिरी ये कि डीएनए में डेटा रिप्रेजेंटेशन का अभी कोई यूनिवर्सल मेथड तैयार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अभी भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस का पहाड़ हमारे सर पर खड़ा है। लेकिन आने वाले सालों में उम्मीद है कि हम ये मसला भी हल कर लेंगे। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस पर। दोस्तों, डीएनए कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। इन्हें आप डीएनए चिप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप अपने रिसर्च के हाई टेक कंप्यूटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएनए कंप्यूटर्स के ज़रिए आप जेनेटिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी जीन्स के अंदर रद्दोबदल कर सकें। डीएनए कंप्यूटर्स को फार्मा कंपनीज भी यूज़ कर सकती हैं, जिससे वो मजीद लोगों की डिजीज़ के बारे में जान सकती हैं और उनका हल तलाश कर सकती हैं। और इसके अलावा इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है वो किसी भी पासवर्ड के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने में है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ हो सकता है। कोई भी चीज़ सिर्फ और सिर्फ फ़ायदों के साथ नहीं आती, इसलिए उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। आए हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला एडवांटेज इस टेक्नोलॉजी का ये है कि आप बिलियंस ट्रिलियंस में टास्क एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो भी एक वक्त में। एक और फ़ायदा इसका ये भी है कि किसी भी गिवन प्रॉब्लम के ढेर सारे मोर देन इनफ पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेलल सर्च यकीनन रैंडम सर्च से ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, और वो इसके लिए हलवे की तरह है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली लार्ज पैरेलल सर्चेस, जैसे कि एडलमैन ने प्रूव किया, इसकी एबिलिटी रखता है। उसके बाद ऑब्वियसली दोस्तों, आपको डीएनए हर इंसान, जानवर, परिंदे और दरख्तों में मिल जाता है, और ये बहुत चीप और आसान ज़रिया है हाई टेक कंप्यूटेशन का। और लास्ट एडवांटेज जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं वो ये है कि हमारी सोच से बहुत ज़्यादा डेटा एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में स्टोर करके रखा जा सकता है, जो हज़ारों सालों बाद भी रिकवरेबल होगा। फिल वक्त जिन डिसएडवांटेजेस का हमें सामना है वो ये हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम सिंपल हो या सुपर कॉम्प्लेक्स, अमाउंट ऑफ डीएनए उतना ही रिक्वायर्ड है जितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए होगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो वेस्ट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड है। बहुत सारे फवायद होने के बावजूद भी इस वक्त डीएनए कंप्यूटर्स को पब्लिक यूज़ के लिए नॉर्मल कंप्यूटर से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अभी बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है। डीएनए कंप्यूटर्स को बिल्कुल उसी तरह से प्रोग्राम अभी तक नहीं किया जा सका है जिस तरह हम आम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो इससे वाकिफ नहीं हो, वो इसे यूज़ करके अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए स्पेशल स्किल्स और प्रॉपर सेटअप दरकार होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और इतनी अच्छी भी है, तो मार्केट में हर कोई इसे क्यों यूज़ नहीं कर रहा? तो डीएनए कंप्यूटिंग की पॉसिबिलिटी बहुत वंडरफुल है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे यूज़ करने से कई गुना ज़्यादा वक्त बचाया जा सकता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन मसला ये है कि इसकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यानी इसे मैथमेटिकली और पर्सनल कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम करके इसकी परफॉर्मेंस को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करना अभी भी बाकी है। दूसरी वजह है किलर एप्लीकेशन। मार्केटिंग की ज़बान में किलर एप्लीकेशन उस कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट और वैल्यू हो, और इस वक्त डीएनए कंप्यूटर्स की एज सच कोई डिमांड नहीं है। और इसके बाद जो वजह है वो यही है कि इसे फंक्शनल करने में अभी बहुत सी रुकावटें और इम्प्रूवमेंट्स को अमल में लाना होगा। आखिर में हम ये डिस्कस करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। दोस्तों, एडलमैन ने जो सेल्समैन को फर्स्ट से सेवन्थ पॉइंट तक पहुंचाने का प्रॉब्लम डीएनए कंप्यूटिंग से सॉल्व किया, वो एक सिंपल प्रॉब्लम था। अब जैसे जैसे कंप्यूटर और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने लगे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए मज़ीद एफिशिएंट एल्गोरिथम आने लगें। 1994 से अब तक डीएनए मैनिपुलेशन बहुत बेहतर हो गई है, और मुस्तकबिल में इसमें की जाने वाली रिसर्च से इसकी कमियों को खूबियों में बदल दिया जाएगा।
इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन डीएनए बेस्ड कंप्यूटर पर रिसर्च कर रही है। अगर ये रिसर्च कामयाब होती है तो जल्द आप एक नया रेवोल्यूशन देखेंगे। एस्टिमेट के मुताबिक 2025 तक इस कंप्यूटर को तैयार कर लिया जाएगा। मुस्तकबिल में डीएनए कंप्यूटर्स आपको वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस जैसे कि ईमेल और टेक्सचुअल डेटा हैंडलिंग जैसी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसके बजाय हम इस टेक्नोलॉजी को डेटा इंक्रिप्शन और जेनेटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मिसाल है कि एयरलाइंस वाले एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एफिशिएंट रूट्स फाइंड आउट करें। तो अब तक जो हमने पढ़ा और जाना दोस्तों, उसका नतीजा ये निकलता है कि डीएनए जैसे पावरफुल कंप्यूटर्स के लिए अभी हमें और इंतज़ार करना होगा और बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स लानी होंगी। और दूसरी बात ये कि डीएनए कंप्यूटर्स हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये चंद स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि एडवांस रिसर्च और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। तो दोस्तों ये रेफरेंसेस हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।